बापूजी दरवाजा अंदर से बंद है। हाँ तो खोलिए ना। क्यों? क्योंकि बंद है। नहीं खोलूंगा। क्यों? क्योंकि तू एक नंबर का झूठेबाज है। तूने मुझसे झूठ बोला, झूठिया। सिर्फ एक गोली, गोली की वजह से आज मैं जेठिया से जूठिया बन गया। तो जेठा अंकल मैंने क्या किया? मैंने क्या किया तुझे पता बेटा, मुझे कैसे पता होगा? नहीं, अभी आपने बोला ना गोली के वजह से। अरे बेटा वो गोली मतलब तू नहीं, और कौन? मेरे अलावा दूसरा गोली कौन है? अपने पापा से पूछ। पापा? गोली बेटा हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे, हम टैबलेट वाली गोली की बात कर रहे थे। हाँ बता। लेकिन गोड़ा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना जरूरत होगी तो बुला लेंगे। अरे भिड़े अंकल वो मम्मी ने सबके लिए समोसा भिजवाया है। देखो मम्मी ने बोला कि सबको भूख लगी होगी, समोसा ले जा, तो मैं समोसा लाया हूँ। अरे वाह, आई लव यू मम्मी। मी टू। जल्दी से फटाफट समोसे खाते हैं, शायद समोसा खाने से कोई आइडिया आ जाए। दे दो बेटा सबको समोसे दे दो। हाँ। अरे और तुम लोगों को समोसा पार्टी कर लिए? नहीं 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 बाबूजी, कोई समोसा नहीं खाएगा, कोई समोसा नहीं खाएगा, कोई समोसा नहीं खाएगा। हाँ जा बेटा लेके जा समोसा यहाँ से। हाँ सर। कोई कोई नहीं खाएगा। गए बाबूजी, गोली गया समोसा लेके। बाबूजी बाबूजी प्लीज दरवाजा खोलिए ना बाबूजी। नहीं खोलूंगा। अब क्या करें? ये सब सुन रहे हैं अंदर। सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो यहाँ पे? और चाचा जी? नहीं नहीं है, मतलब चाचा जी अंदर ही है, वो उनके पैर से लकड़ा निकला नहीं ना अभी तक, उसका सोल्यूशन नहीं मिला ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या क्या किया तूने? अरे सोल्यूशन मिल गया है। सुबह से अय्यर का फोन नॉट रिचेबल आ रहा था, तो मैंने उसको एक मैसेज छोड़ दिया था कि यहाँ पे चाचा जी का पैर चिपक गया है और हमें कोई सलूशन नहीं मिल रहा है। तो अब भी मुझे अय्यर का फोन आया और उसने मुझे ये बताया कि उसके लैब में एक ऐसा सलूशन है जो अच्छे से अच्छे गम को भी पिघला सकता है। अय्यर अभी के भी वो सोल्यूशन लेके सोसाइटी में आ रहा है। बाबूजी सुना आपने? अय्यर भाई सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, आपके पैर से लकड़ा निकल जाएगा। पापा मैं एक खुशखबरी सबको सुना देता हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ नीचे ही चलते चलो, दरवाजा लग गया।
सोनू माधवी आंटी गोगी गोली कोमल आंटी रोशन आंटी अब्दुल भाई जल्दी यहाँ पर आइए जल्दी से यहाँ पर आइए अरे अब सब लोग जल्दी से नीचे आइए हाँ क्या हुआ अरे आप लोग जल्दी से नीचे आइए गुड न्यूज है क्या अंजलि आंटी क्या हुआ टप्पू इतना जोश में है हाँ? अरे अब्दुल भाई बात ही ऐसी है क्या बात है क्या हुआ एक कहाँ रह गए लोग आ रहे बेटा बोल ही नहीं रहा हाँ टप्पू क्या हुआ क्या खुशखबरी है फ्रेंड्स दादाजी के चिपके हुए पैरों को उखाड़ने का सॉल्यूशन मिल गया है अरे कैसे हुए चमत्कार बाबा रोशन आंटी अय्यर अंकल अपनी लैब से गम निकालने का सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं अब दादाजी के पैर दरवाजे से अलग हो जाएंगे अरे ये तो बहुत अच्छी बात है अरे वाह टप्पू क्या न्यूज दी है ऐसा लग रहा है कि 50 गुलाब जामुन और 50 रसगुल्ले एक साथ खा लिए हो जे वो बाप ते वो डिक्रो अरे अरे वाह सब लोग आ गए हां बाबू जी सब आ गए देखो देखा दादाजी सब लोग कितना प्यार करते हैं आपसे होता है मैंने पहली बार ऐसी सोसाइटी देखी है जहां सब लोग एक दूसरे के लिए इतना सोचते हो अरे बाबूड़िया हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की यही तो खासियत है एक परेशान होता है तो सब लोग परेशान होते हैं और एक खुश होता है सही बात है बाबूजी। भिड़े भाई एक खुशखबरी और भी है बाबू चिपके ने नया दरवाजा भी लगा दिया है अरे वाह हो गया काम वाह 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 शाबाश बाबू चिपके शाबाश बाबूजी तो इसी बात पे हो जाए क्या सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं अय्यर भाई सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं लो दादाजी के पैर अब छूटेंगे छूटेंगे दादाजी के पैर अब छूटेंगे लो जनरल तुम किधर जाते एक मिनट आपके लिए सरप्राइज है जेठालाल सरप्राइज बाद में देना पहले मेरा बात सुनो कब सुनूंगा अय्यर भाई दो मिनट शांति रखे दो मिनट में अभी आया अरे अभी आ रहे हैं ना गुलाब अरे अय्यर भाई जेठालाल ये क्या करता है तुम आपका स्वागत देखो जडलाल स्वागत करने से पहले मेरा बात तो सुनो प्लीज अय्यर भाई आपको मत भूले आज मुझे स्वागत कर लेने दीजिए प्लीज बाद में सब बातें होंगी आइए पधारिए अय्यर भाई जी आइए पधारिए अय्यर भाई जी सॉल्यूशन लेकर आए हैं सॉल्यूशन लेकर आए हैं आइए पधारिए अय्यर भाई जी आइए पधारिए अय्यर भाई जी हाउ इज इट सो सिक थैंक यू टप्पू रख दे जरा बेटा इसका हो गया काम अय्यर भाई भाई सच में तो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक समाधान करता गम हरता
अय्यर अय्यर भाई लाइए लाइए जल्दी सॉल्यूशन लाइए ताकि बापू जी का लकड़े से छुटकारा हो जाए। जनरल मैं क्या बोलता हूँ वो सॉल्यूशन नहीं है। नहीं है मतलब भैया ये मजाक करने का वक्त नहीं है। चलो कम ऑन सॉल्यूशन दे दो इनको। नहीं नहीं भविता मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या जब तुमसे फोन पर बात किया था तब मेरे को लगा कि लेबोरेटरी में वो सॉल्यूशन है लेकिन जब बाद में मैंने ढूंढा तो सिर्फ बॉटल मिला। 2 दिन पहले ही सॉल्यूशन खत्म हो गया था। अभी तो अय्यर भाई कहीं ना कहीं तो वो सॉल्यूशन मिलता होगा ना जाके ले आते। नहीं डॉक्टर राधी वो बस स्पेशल सॉल्यूशन है यूएसए इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर जो आज ऑर्डर करेंगे ना तो 1-2 महीने के बाद आता है। कल्याण नहीं नहीं कल्याण से नहीं यूएस से मंगाना पड़ेगा। वो समझी मैं कल्याण मीन्स संपल सगड़ा आता काय राहिलो असं। दैट वे अय्यर भाई ये बात पहले नहीं बता सकते थे। जयदलाल मैं तुमको बताने ही वाला था लेकिन तुमने मेरे को रोक लिया। अरे तो मैंने जैसे आपको रोका वैसे आपको भी मुझे रोक के बता देना चाहिए था ना। पर अब इस पैसे से क्या फायदा जेठालाल घूम फिर के हम वापस उसी जगह पे पहुंच गए। चाचा जी के पैर से लकड़ा निकलेगा कैसे? नहीं निकलेगा। अब मुझे ये लकड़े के साथ ही चलने फिरने की आदत डालनी पड़ेगी। बापू जी कम से कम अभी 1-2 महीना तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं क्या कर सकते हैं। दादाजी प्लीज अब निराश मत होइए कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। सही बात है। बापू जी अय्यर भाई आप भी लेबोरेटरी में पहले बराबर चेक करने के बाद आपको बबीता जी को बताना चाहिए था ना। हम सब कितने उत्साह में आ गए थे पूरी सोसाइटी में एक खुशी की लहर उठी थी। आपने सब पे पानी फेर दिया। क्या अय्यर अंकल आपने एकदम रसगुल्ले जैसे मूड पे नींबू निचोड़कर मूड खट्टा कर दिया। गोली क्या बोला तू फिर से बोल। कुछ नहीं। अरे बोला बोला गोली क्या बोला तो फिर से बोल। नहीं नहीं सॉरी सॉरी मम्मी कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या तू कुछ बोला था ना। अरे बच्चे को क्या डरा रहे हो मैं बोलता हूँ मुझसे पूछो। गोली ने भी बोला कि सबका रसगुल्ला जैसे मीठा मूड था उसके ऊपर आपने नींबू निचोड़ कर सबका मूड खट्टा खट्टा कर दिया। हाँ नींबू खट्टा एसिड क्या हुआ अय्यर भाई हंस क्यों रहे अय्यर भाई हंस क्यों रहे आप। अरे जयदलाल जयदलाल चाचा जी के पैरों पे जो गम लगा ना उस पर हम एसिड। अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं आप बापू जी के पैर पे एसिड डालेंगे। अय्यर भाई सोच सोच के आपने ये सोचा चाचा जी के पैर पे एसिड। नहीं 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 अरे नहीं क्यों। अरे हाँ आदमी बाबी हाँ ना अय्यर भाई ना एसिड डालेंगे तो पैर जल जाएंगे। अरे जल जाएंगे क्या रोशन बाबी पैर गल जाएंगे पैर ही नहीं रहेंगे। अय्यर और वैसे भी हमने चाचा जी को गर्म पानी की बात की थी ना तो वो गुस्सा हो गए थे। अगर एसिड डालने की बात करेंगे ना तो हम सबको सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। हाँ?
कम ऑन अय्यर भाई, आप साइंटिस्ट होके ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? देखो, अरे कमर भाभी, मैं साइंटिस्ट हूँ इसीलिए ऐसा बात करता हूँ। मैं जो सॉल्यूशन लाने वाला था ना, उसमें भी एसिड होता है जो कि गम को पिघलाता है, और नींबू में भी एसिड होता है, और ये बात तो मेडिकल साइंस भी मानता है। क्यों डॉक्टर आती? सही बात है, नींबू तो विटामिन सी और एसिड से भरपूर होता है। Yes, lemons are acidic and they contain citric acid about 5% my weight. And it also has a chemical formula. Yes! The formula is C6H8O7. And the systematic name of citric acid is 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid. Lemons benefit chapter number 28. वाह 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 बच्चों, क्या बात है, इनके कॉलेज के टीचर जबरदस्त लगते हैं। ये मैं इन्हें स्कूल में ही पढ़ा चुका हूँ पोपटलाल। ओह अच्छा। वाह वाह टप्पू बेटा वाह, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी कॉलेज की फीस वसूल है बेटा। क्या धड़ा धड़ धड़ा धड़ अंग्रेजी बोला है ये है? बेटा अभी तू जो कुछ बोला वो सबको अभी जरा समझा भी दे, क्या बोला? जेठालाल इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे कि चाचा जी के पैरों को नींबू निचड़े हुए गर्म पानी में ऐसा डुबो कर रख देंगे, जिससे क्या वो गम पिघल जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और वो लकड़ा उनके पैरों से निकल जाएगा। क्या बात है, गर्म पानी और नींबू। अरे तो फिर देर किस बात की, मैं फटाफट नींबू लेके आती हूँ। अरे लेकिन अंजलि भाभी, 1-2 नींबू से काम नहीं होगा, 400-500 नींबू का जरूरत पड़ेगा। हाँ तो हमारे सबके घर में जितने नींबू है हम सब लेकर आते हैं, और बाकी के सब मार्केट से मंगवाते हैं ना। हाँ, एक आध नींबू मेरे घर पे भी होगा। ओहो, मैं हमेशा स्टॉक रखता हूँ। स्टॉक? नहीं नहीं, मैं क्या कहता हूँ, नींबू का तो ठीक है, लेकिन गर्म पानी का क्या? बापू जी गर्म पानी में पैर रखने का मानेंगे नहीं? हाँ जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो, अगर चाचा जी नहीं मानेंगे तो हमें मनाना पड़ेगा। भाई इस परिस्थिति में पहुंचकर हम मुंह नहीं फेर सकते, हमारे पास और सोल्यूशन क्या है बताओ। भाई पूरा हाथी निकल गया और अरे बाप, हाथी भाई कहावत कहावत बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो हाथी और पूछ वाली कहावत। हाथी और पूछ वाली। भाई पूरा हाथी निकल गया जेठालाल, एक पूछ निकलनी बाकी रह गई है, उसके लिए हम रुक जाए। हम सब मिलके चाचा जी के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे भाई गर्म पानी तो बहुत छोटी सी चीज है, अगर आप गर्म पानी पांव पे नहीं डलवाते हैं तो इसके अलावा दो ही रास्ते हैं, या तो अस्पताल चलो ऑपरेशन करा लो, या जैसा अय्यर भाई ने कहा है महीने दो महीने में सोल्यूशन आएगा, तब ये लकड़ा उखड़ जाएगा। भाई जो चाचा जी कहेंगे वही हम मानेंगे, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वेल डन मेरा साहब। अब्दुल एक काम करेगा भाई, जरा मार्केट से नींबू लेके आएगा, 400-500। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे है। अरे रखना दोस्त, अरे इसमें क्या है। थैंक यू, प्लीज लेके आना जरा, अभी अभी लेकर। हाँ बाबू, जरा तुम भी जाओगे अब्दुल के साथ उसको मदद करने के लिए? साथ में लेके आना। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा। आप भी हमारे साथ भजन गाइए, ईश्वर का नाम लीजिए। चंपक चाचा के चिपके हैं चरण, हम हैं प्रभु की शरण। ईश्वर अच्छा करेंगे, क्योंकि अय्यर ने एक बेहद बढ़िया नुस्खा बताया है, आयुर्वेद और विज्ञान के संगम की तरह, गर्म पानी और नींबू के रस का नुस्खा। और सारी गोकुलधाम सोसाइटी अब चाचा जी की सेवा में लग गई है, और आसार अच्छे नजर आ रहे हैं। और अच्छे क्यों न हो, आज एक बेहद शुभ दिन, आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 351वां प्रकाश वर्ष है। शुभ दिन की हमारे सभी सिख भाइयों को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात और, मैरी क्रिसमस। गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सामने सांता क्लॉज खड़ा है, सांता क्लॉज आया है आपके लिए, और सांता क्लॉज आया है तो खाली हाथ तो आया नहीं होगा, आपके लिए गिफ्ट है, उपहार। क्या है वो गिफ्ट, दिखाता हूँ। सांता क्लॉज आपके लिए लेके आया है बेहद खूबसूरत गिफ्ट, यानी कि आपके लिए ये खूबसूरत मुस्कुराहट। ईश्वर करे आपकी जिंदगी मुस्कुराहट और खुशियों से भरी रहे। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।
तो मित्रों सेंटा क्लॉज ने तो आपके जीवन में खुशियों की प्रार्थना कर ली है, आप भी प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि जो अय्यर का नुस्खा है वो कारगर साबित हो और चंपक चाचा के चिपके हुए जो पांव है वो उखड़ जाए। अब ये नुस्खा कितना कारगर साबित होता है, असर करेगा या नहीं करेगा, ये तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.